दोस्तों आपने दिल्ली का जाम देखा होगा, पर आप एक बार केदारनाथ बाबा के यहाँ पर आए हुए, यहाँ भी जाम लग चुका है, रास्ता ब्लॉक हो चुका है उधर वाला। जय बाबा बर्फानी, सभी की मनोकामना पूरी करना। दोस्तों अभी ऑक्सीजन की बहुत कमी है और घोड़ों से और ज्यादा ऑक्सीजन की कमी लगती है। आप देखो कैसे स्पीड में चल रहे हैं ये भी। सभी दोस्तों को हर हर महादेव। दोस्तों समय हो चुका है रात के 3:30 और अभी जा रहे हैं भवन की तरफ। और यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है बालटाल की। तो दोस्तों यहाँ से अभी एंट्री करते हैं और यहाँ से लेकर है 12 किलोमीटर के करीब पड़ता है गुफा। तो आपको एक बार मेरे चैनल में फिर स्वागत है। आप मेरे सिर पे कैप देख रहे होंगे, सेफ्टी के लिए है ये, ठीक है दोस्तों। तो दोबारा फिर आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। हर हर महादेव। एक बार फिर दोबारा जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए और आपको करवाने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं। और जो भी यहाँ की अपडेट रहेगी अब तक की मैं आपको बताता जाऊंगा। दोस्तों अभी 3 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और वक्त देख लो कैसे आ रहे हैं नीचे से। दोस्तों यहाँ का जो आप ट्रैकिंग करना आप आओगे तो हल्के हल्के स्टेप रखना और बैठना मत, एकदम टांगों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये है कि आप खड़े रहना 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर साथ के साथ चलते रहना। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपको भयंकर भीड़ मिलेगी अब की बार श्रद्धालुओं की। ऊपर तक देखो आप, और जल्दी से जल्दी बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं। बारिश स्टार्ट हो गई तो जो ये रास्ते है ये डेंजर हो जाती है बिल्कुल, कौन सा पहाड़ नीचे आ जाए कुछ नहीं पता। और अभी भी बर्फ जमी हुई है, नीचे से ही आपको बर्फ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों घोड़ों का लगा जाम। दोस्तों अभी ऑक्सीजन की बहुत कमी है और घोड़ों से और ज्यादा ऑक्सीजन की कमी लगती है।
आप देखो कैसे स्पीड में चल रहे हैं। ये भी नीचे भी जाम लगा हुआ है, ऐसे रुक रुक के इनको ऊपर आना पड़ रहा है। जय भोलेनाथ। दोस्तों यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो चुकी है, हुई घोड़े खचरों की वजह से। ये देख लो ये इससे धीमी चाल हो रही है बहुत ज़्यादा। सुबह निकले थे 4:30 बजे, अब खच्चरों की वजह से जाम लग चुका है और फिर ऊपर से पालकी वाले भी आ रहे हैं साथ के साथ ही, तो जगह नहीं बचती है बिल्कुल भी। ये आने आने का ही अभी जाने वाले भी स्टार्ट होंगे, नीचे जाने वाले। दोस्तों अभी हम बरारी टॉप पर, और ये है 9.5 किलोमीटर का, और इस पर टाइम लगता है 3 से 4 घंटे लगते हैं इस पर टाइम। और अब क्राउड देखो एक बार, और दोस्तों अभी थोड़ा सा रह चुका है, यहीं तक का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद तो बिल्कुल ठीक है रास्ता, ना इतना टाइम लगता है आगे। दोस्तों बरारी टॉप पर आपको मिलेंगे दो भंडारे, एक भंडारा ये रहा और ये भंडारा 9.5 किलोमीटर के बाद आता है जब नीचे से आते हो तो, और ये आप एमरजेंसी में आप यहाँ रुक सकते हो रात को। और थोड़ा सा आगे जो टॉप में है वो वहाँ भी रुक सकते हो, और मेडिकल सुविधा है, व्यू शानदार है, वेदर अच्छा है। दोस्तों ये मैंने आपको 1.5 हफ्ते पहले ये रास्ता दिखाया था कि अभी ऊपर वाला मशीन चली हुई थी पहले यहाँ पर, अभी मशीन तो नहीं चली हुई क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए मशीनें सारी बंद कर दी गई है। और ऊपर वाला रास्ता अभी बंद किया हुआ, वो अभी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ से सारा ट्रैक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो ब्रिज बना हुआ था वो अभी नहीं बना अभी तक, और नीचे से यात्रा स्टार्ट है और डस्ट बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है इस रास्ते पे। जय बोले। इसलिए अब पहले से थोड़ी हल्की फुल्की कठिनाई जरूर है इन रास्तों पे। दोस्तों ये जो ब्रिज है ये भी अभी बना है, पहले नहीं था। दोस्तों अभी पहुंच गया काली माता मंदिर के बिल्कुल पास में, और यहाँ अब शॉप लग चुकी है, पहले इतनी शॉप भी नहीं थी यहाँ पर, दुकानें मिलेंगे आपको प्रसाद के लिए, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। आगे इतनी दुकानें नहीं है मंदिर के पास, और जैसे कि हम थोड़ा आगे जाएंगे और ऐसे मुड़ेंगे तो काली माता मंदिर आ जाएगा, शक्तिपीठ। और जो वो रास्ता देख रहे हो सामने अब वो है पहलगाम से, और जो घोड़े खच्चर जा रहे हैं ये जा रहे हैं बालटाल वाले, ये नीचे से आते हैं नदी क्रॉस करने के बाद, वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, ये चढ़ने के बाद ऐसे जिगजैग वाला रास्ता है सारा। ये पहले ये था जिगजैग वाला, वो बंद कर दिया, अब दूसरा बनाया जिगजैग का, उसमें कम है जिगजैग, ये है ज़रूर है। और सामने दोस्तों दिखाई दे रही है गुफा, दोस्तों अभी जाम लगा हुआ है घोड़ों कचरों का,
ये देखो यहीं से जाम है और भवन तक ऐसी ही है, क्यों उधर से पहलगाम की तरफ से भी आ रहे हैं, इधर से भी जुड़ रहे हैं, और एक रास्ता का रखा है इनका घोड़ों के लिए तो नीचे का है, और जो पैदल चलने वाला को वह ऊपर वाला है वो। दोस्तों ये रास्ता बहुत कठिन है बालटाल वाला, और हम दूसरी बार मंदिर की तरफ जा रहे हैं। किसी भाई को बुजुर्ग को एक बार भी नसीब नहीं होता, पर मेरे चैनल के माध्यम से आप दो दो बार आप मंदिर के दर्शन कर पाओगे। अब आपको मैं जो काली माता का शक्तिपीठ है आपको उसके दर्शन करवाता हूँ, फिर आगे लेके चलेंगे। अभी थोड़ा ही रह चुका है, 1-1.5 किलोमीटर का है ये। और थोड़ी हालत खराब है इसलिए ऐसे लेके आ रहे हैं। चलो पालकी वालों को जाने दो, पालकी वालों को रास्ता दो। और दोस्तों आपको मैं दर्शन कराता हूँ एक बार। जय माँ काली सिद्धपीठ। देखो दोस्तों सिद्धपीठ है ये, और आप मेरे चैनल के माध्यम से दूसरी बार दर्शन कर पा रहे हो। मैं दूसरी बार जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए इसी हफ्ते के अंदर अंदर। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अब वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। उस टाइम ये सब कुछ नहीं था, पैड़ियाँ भी अभी बने हैं, स्टेप ये। महादेव, हर हर महादेव की जय। जय ये थोड़ा दोस्तों, अब ये भी बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों सारा रास्ता ढलान का है, ये 3-4 किलोमीटर का रास्ता रह चुका है और सारा ढलान का है। ये लगा के चलो कि ऊपर वाले में हमको 2-3 घंटे लगे तो इसमें 1 ही घंटा लगेगा बस पहुंचने में। और रास्ता थोड़ा खुला हो चुका है पहले से। दोस्तों ये भी बर्फ काट के यहाँ से रास्ता बना रखा है जाने के लिए, और ये बना रखा है आने के लिए। बर्फ ये वाली तो प्रॉपर वो उतने की उतनी है, 50-60 फुट तक की बर्फ है ये, और ये वाली पिघलनी स्टार्ट हो चुकी है, हल्के हल्के गड्ढे हो चुके हैं इसके अंदर। दोस्तों हम इस रास्ते जा रहे हैं आपकी बार, पिछली बार हम दूसरे रास्ते से गए थे और इसमें हल्के हल्के गड्ढे हो चुके हैं, पैर धस रहे हैं नीचे। दोस्तों भवन के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं, और जो पहलगाम वाला रास्ता है आपको मैं एक बार वो दिखाता हूँ। वहाँ पर देखना क्या कंडीशन है खच्चरों की। दोस्तों एक बार चेक करो क्या जनसंख्या है। कितने खच्चर घोड़े कितने हैं यहाँ पर, जो मावड़ा लगा हुआ है यहाँ पर इसका। और वो तो रास्ता जाम ही है एक तरीके से।
उसको तो जहाँ एक घंटा लगता होगा तो वहाँ कम से कम 2 से 2.5 घंटे और एक्स्ट्रा लगेंगे घोड़े के चक्करों में। दोस्तों बरारी टॉप के बाद उसके बाद भवन के बिल्कुल पास में ही आपको भंडारे मिलेंगे, इससे पहले नहीं मिलेगा आपको। और इस रास्ते से पालकी पालकी चल रही है, घोड़े नहीं चल रहे, घोड़े खच्चर। दोस्तों आपने दिल्ली का जाम देखा होगा, पर आप एक बार केदारनाथ बाबा के यहाँ पर आए, यहाँ भी जाम लग चुका है, रास्ता ब्लॉक हो चुका है उधर वाला। चलो आगे चलते हैं, जय भोलेनाथ। और ये भंडारे स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, आप यहाँ घंटा दो घंटा रेस्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ आपके आईडी चेक होंगे, ये कार्ड, ये वाले कार्ड आपके चेक होंगे, उसके बाद आगे जाने दिया जाएगा। और यहाँ से लगातार ही आपको भंडारे मिलेंगे, 4-5, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने गिने नहीं है वैसे, पर 4-5 के इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ जब आए थे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, अब यहाँ से बर्फ़ ठंडी हो चुकी है, पानी बन चुका है उनका। जय बोले, आपको दोबारा फिर दर्शन हो पा रहे हैं पवित्र गुफा के, एक बार और आप दर्शन कर लो बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा के। और आपकी बार बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है, सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। जय बाबा बर्फानी, सभी की मनोकामना पूरी करना, यही तो मानना चाहता हूँ मैं। जितने मेरे सब्सक्राइबर भाई, जो भी नए सब्सक्राइबर भाई वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हर हर महादेव जरूर लिखना और अपनी मनोकामना भी मांगना कि आपकी मनोकामना सभी पूरी हो जाए। जय बाबा बर्फानी। अब से अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, ठीक है दोस्तों, यह भी एक इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। दोस्तों पहले यहाँ से जा सकते थे, पर पानी ज़्यादा चल रहा है तो आर्मी वालों ने, बिहार वालों ने यह रास्ता बना दिया, ग्लेशियर को काटकर स्टेप वाइज बना दिए गए, ये आप इसमें से यहाँ से जा सकते हो। और दोस्तों आपकी बार इसका ये सेट सा बना दिया गया है, जब बारिश बुरस आए तो जो भी श्रद्धालु खड़े होते वो भीगे ना। हर हर महादेव। आपकी बार डिफरेंट बना दिया ये, अभी हफ्ते पहले ये चीजें नहीं थी। जय बाबा बर्फानी, सभी की मनोकामना पूरी करना। और ऊपर लिखा है पवित्र गुफा। और दोस्तों यहाँ दिखाई देते हैं कबूतर, वो भी भाग्यशाली को ही दिखाई देते हैं, ऐसे किसी को दिखाई नहीं देते। 2 साल से लगातार हमें दिखाई दिए, अब की बार नहीं दिखाई दिए,
कम से कम आधे घंटा हम खड़े रहे देखने के लिए, पर नहीं दिखाई दिए। दोस्तों बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं तो आपको ऐसी लंबी लाइन में लगना होगा, और लाइन देखो कहाँ तक लगी हुई है, नीचे तक लगी हुई है, ये यहाँ तक की लगी हुई है, उसके बाद यहाँ से ऐसे इसके अंदर से जाने के बाद सीधा ऊपर। दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर कैंपिंग का नहीं है, जो आप यहाँ रुकने की व्यवस्था सोच रहे हो तो बाबा बर्फानी के पास यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, बस यहाँ पर ये भंडारे हैं, बस आप लंगर ले सकते हो, यहाँ ठहर नहीं सकते, और यहाँ पर देख लो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और ये बियारो बियासफ ये जो आए हुए हैं फौजी, उनके ड्यूटी के लिए ये कैंप लगे हुए हैं ये, और यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो आप सोच रहे हो तो यहाँ हम ठहर जाए। ठीक है दोस्तों वेदर ख़राब हो चुका है यहाँ का, और लाइनें बहुत लंबी लंबी लगी हुई है। अब इन लाइनों के द्वारा जो आप दर्शन कर पा रहे होंगे तो तीन से साढ़े तीन घंटे आपको लगेंगे दर्शन करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको पहले ही दर्शन करवा दिए, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, उस टाइम मैं लेके गया था परमिशन लेके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसे लगी है हर हर महादेव लिख के बता देना। ठीक है दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार और दर्शन कर लो आप।